अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए ये एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं। जो दुर्भाग्य है कि यहाँ पर विकास के कार्यों पे पूर्ण विराम है, वो लगा रहेगा। आतिशी जी और मिलकर अरविंद केजरीवाल जी ये दो पावर सेंटर्स बन जाएंगे यहाँ पर। आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, बिजनेस हाउस है। बिजनेस हाउस में जब तक डील नहीं होती है ना, बिजनेस हाउस चलता नहीं है। कोई डमी नहीं है क्या है? आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं, जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। मुख्यमंत्री बदलने से भाग्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिए, आप में से कोई मुझे माला मत कहनाइए। अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। जिसके परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को माफी दिलवाने के लिए पेटीशन दायर की थी, ऐसी नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का पाप अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है, राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।